आज है 18 जुलाई 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के युवाओं को मिस्टर स्मार्ट का खिताब, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी पहल। परिवार नियोजन साधन अपनाने वाले युवा मिस्टर स्मार्ट कहलाएंगे। फैमिली प्लानिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल की है। अब प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय वाले जिलों में मिस्टर स्मार्ट सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलनों के जरिए परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने की मुहिम चलेगी। साथ ही मैजिक शो व कठपुतली शो भी आयोजित किए जाएंगे। योगी कैबिनेट की बैठक में अब छोटे प्रस्ताव नहीं रखे जाएंगे, नए निर्देश जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में अब छोटे मोटे प्रस्तावों को नहीं रखा जाएगा। इतना ही नहीं, कैबिनेट के प्रस्ताव में स्पष्ट बताना होगा कि इससे कितने लोगों को लाभ होगा और इस पर कितना खर्च आएगा। नई नीति अगर लाई जा रही है तो इसके बारे में ये भी बताना होगा कि देश के अन्य राज्यों में क्या इस तरह की नीति है, तो इससे लोगों को कितना फायदा हो रहा है। चीनी मिलों को जोड़ने वाली सड़कें बेहतर होंगी, नियमित रखरखाव करेगा पीडब्ल्यूडी। आसपास के इलाकों को चीनी मिलों से जोड़ने वाली गन्ना विभाग की खस्ताहाल सड़क के दिन अब बहुरेंगे। लोक निर्माण विभाग इन सड़कों की मरम्मत के साथ ही चौड़ा करने का काम भी करेगा। इसके बजट के लिए शासन ने अलग से मत बना दिया है। इस साल के लिए करीब 500 करोड़ रूपए इन सड़कों के लिए स्वीकृत किया गया है। अब इन सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी पूरी तरह से लोक निर्माण विभाग के पास ही रहेगी। छात्रों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ जल्द, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं की समय सारणी जारी कर दी। आवेदन 20 जुलाई से 20 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन 20 नवम्बर तक लिए जाएंगे। इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एडमिशन के समय फीस के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे कॉलेज। कॉलेज अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं पर प्रवेश के समय शुल्क जमा करने का दबाव नहीं डाल सकेंगे। अब छात्रों को ऑनलाइन आवेदन के समय ही पोर्टल से फ्री शिप कार्ड जनरेट होगा। इसके आधार पर कॉलेज प्रवेश देंगे। समाज कल्याण विभाग छात्र के खाते में छात्रवृत्ति की रकम भेजेगा, जिसके बाद ये रकम कॉलेज प्रशासन को देनी होगी। छात्रवृत्ति के लिए समाज कल्याण निदेशालय के द्वारा जारी की गई नई नियमावली को लेकर मंगलवार को तारामंडल क्षेत्र के गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में प्रबंधकों और प्राचार्य की मौजूदगी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। यूपी रोडवेज यात्रियों के जेब पर बोझ, इन रूट्स की बसेस के टिकट महंगे। यूपी रोडवेज बस से सफर करने वाले यात्रियों को रूट डायवर्जन के चलते पूरे सावन अधिक किराया देना होगा। सावन में कांवड़ यात्रा के लिए 22 जुलाई से 19 अगस्त की मध्य रात्रि तक रूट डायवर्जन प्रभावी रहेगा। प्रयागराज के सिविल लाइंस डिपो से गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर और वाराणसी की ओर जाने वाली बसेस शास्त्री ब्रिज के बजाय फाफामऊ होकर सहसो तक जाएंगी। नए कानूनों के बाद हाईटेक गाड़ियों से चलेगी यूपी पुलिस। नया कानून लागू हो चुका है, जिससे डिजिटल साक्ष्य खासतौर से वीडियो को बहुत महत्व दिया गया। यूपी पुलिस ने खुद को इसके अनुरूप हाईटेक करना शुरू कर दिया। अब यूपी 112 को नई गाड़ियां दी जा रही हैं, जिनकी छत पर हाई डेफिनेशन कैमरा लगाया गया। ये कैमरा अपने चारों ओर 300 मीटर के दायरे में वीडियो बना सकता है। हफ्ते में 2 दिन क्षेत्र में रात बिताएं प्रभारी मंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने यहां आवास पर मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी विधानसभा उपचुनाव और राज्य के कई हिस्सों में आई बाढ़ जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। उपचुनाव को लेकर कहा गया कि हर एक ग्रुप को निर्देश भी दिए गए कि सबको अपने प्रभारी क्षेत्र में हफ्ते में 2 दिन तक रात्रि विश्राम करना है, जब तक कि चुनाव समाप्त न हो जाए। मुख्यमंत्री की तरफ से सभी प्रभारी मंत्रियों को ये भी निर्देश दिए गए कि हर एक ग्रुप को कार्यकर्ताओं के साथ बात करनी है। उपचुनाव में 10 की 10 सीट जीतने की तैयारी में बीजेपी। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से झटका खाने के बाद विधानसभा उपचुनाव में भाजपा किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती। उपचुनाव वाली 10 में से 10 सीटों को जीतकर भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संदेश भी देना चाहती है। इसके लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई। सभी 10 सीटों पर योगी सरकार के 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई। इसमें 14 कैबिनेट और 16 राज्य मंत्री हैं। अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई मैनपुरी की करहल और अवधेश प्रसाद के इस्तीफे से खाली हुई अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर 4-4 मंत्रियों को मैदान में उतारा गया। यूपी में कयासबाजी के बीच राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे सीएम योगी।
यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में चल रही बयानबाजी और नई नई अटकलों के बीच बुधवार की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने राजभवन पहुंचे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी राज्यपाल से आगामी मॉनसून सत्र को लेकर राज्यपाल से चर्चा करने पहुंचे। सरकार 29 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुला सकती है। किसानों व्यापारियों को योगी सरकार की सौगात, खाद्य तेलों पर यूजर चार्ज समाप्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों और व्यापारियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को मंडी परिषद संचालक मंडल की बैठक में प्रदेश की मंडियों में खाद्य तेलों पर यूजर चार्ज को समाप्त करने का फैसला किया गया। साथ ही मंडियों में उपस्थली यानी साइलो, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने वाले मालिकों को मंडी शुल्क में 25% छूट दी जाएगी। वहीं 5 करोड़ से ज्यादा की प्रसंस्करण इकाई के लिए अब जिलाधिकारियों को 7 दिन के अंदर एनओसी मंडी परिषद को भेजना अनिवार्य होगा। मैलानी पीलीभीत के बीच ट्रेन चलने में अभी लगेगा वक्त, बारिश में बह गई थी रेलवे की पुलिया। मैलानी पीलीभीत रेलखंड के शागर माला सेक्शन के बीच रेलवे ट्रैक की पुलिया बह जाने से मैलानी से पीलीभीत के बीच ट्रेन का आवागमन बंद चल रहा है। ट्रेन के दोबारा शुरू होने में अभी वक्त लगने की संभावना जताई जा रही है। शागर माला सेक्शन के शागर और संदेही हाल्ट के बीच बंगला गांव के पास रेलवे की एक पुलिया संख्या 305 8 जुलाई को बारिश में बह गई थी, जिससे ट्रक हवा में झूल गया था। अखिलेश यादव को डिप्टी सीएम केशव का जवाब, सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव, 2027 में 2017 दोहराएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी अब असंभव है, भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगा सोलर पार्क, यूपीडा ने आवंटित की 1700 हेक्टेयर जमीन। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर सबसे लंबा सोलर पार्क विकसित कर रही है। ये सोलर पार्क करीब 1700 हेक्टेयर में फैला होगा और इसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की देखरेख में बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। पिछले साल अगस्त में यूपीडा ने प्री फिजिबिलिटी स्टडी के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए थे। यमुना सिटी में घरों की संख्या बढ़ाने के लिए प्राधिकरण ने तैयार किया खास प्लान। यूपी के ग्रेटर नोएडा की यमुना सिटी में घरों की संख्या बढ़ाने के लिए यमुना विकास प्राधिकरण की तरफ से खास प्लान तैयार किया गया। इसके लिए प्राधिकरण ने साल 2024 और 25 का सबसे बड़ा आवासीय परियोजना पर दांव लगाएगा, जहां डिस्को लेकर यमुना विकास प्राधिकरण ने खास प्लान तैयार किया है। संगम नगरी के इस जंक्शन पर दिवाली तक तैयार हो जाएगा स्लीपिंग पॉड, यात्रियों को मिलेगी हाईटेक सुविधा। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ से पहले रेलवे स्टेशन पर बेहतरीन सुविधा के लिए उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है, जहां प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों को सब कुछ सस्ता प्रदान करने के लिए लाउंज एवं डोरमेट्री की सुविधा के लिए सेवा शुरू कर दी गई। वहीं अगली कड़ी में प्रयागराज छिपकी जंक्शन पर इस बेहतरीन सेवा का लाभ यात्रियों को देने के लिए टेंडर पास हो गया है। मेडिकल कॉलेज के संविदा शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, मानदेय में बढ़ोतरी। मेडिकल कॉलेज में संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उनके मानदेय में बढ़ोतरी का यह प्रस्ताव कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के लिए भेजे गए प्रस्ताव में शामिल था, जिसे मंजूरी मिल गई। वर्ष 2019 के बाद इन चिकित्सक शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों श्रेणियों में मानदेय बढ़ाया गया है। यूपी की जेल में होगा मंत्रिमंडल का गठन, मंत्री बनकर कैदी संभालेंगे कामकाज। जेल के बंदी भी समाज का एक हिस्सा हैं और बाहर निकलकर वो फिर से इसी समाज में सामान्य जीवन जिए, इसके लिए बागपत जेल प्रशासन ने एक नई पहल की है। जेल में शुरू हुई यह अनूठी पहल पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकती है। जेल के माहौल में बदलाव और बंदियों में सामंजस्य बनाने के लिए जेल में एक मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। इस मंत्रिमंडल में अलग अलग विधाओं में माहिर बंदी कैबिनेट के सदस्य होंगी। अखिलेश यादव बोले, भाजपा में कुर्सी की लड़ाई में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा में कुर्सी की लड़ाई चल रही है, जिससे कि शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया। जनता के लिए बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं। अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। बरेली में रिक्त पदों के लिए 6 अगस्त को मतदान, आज को होगी मतगणना।
राज्य चुनाव आयोग ने जिला क्षेत्र और ग्राम पंचायत के रिक्त पदों पर उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया। बरेली के जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। जारी कार्यक्रम के तहत 17 जुलाई से नामांकन पत्रों का वितरण शुरू हो गया है। 22 जुलाई को नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है। रावट का मानसून दक्षिण की ओर हुआ शिफ्ट, 20 जुलाई के बाद वापसी के आसार। जुलाई माह में अच्छी बरसात का सब्ज बाग दिखाकर शुरुआती दिनों में अच्छी बारिश कराने के लिए मॉनसून एक्सप्रेस रास्ता भटक गई। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर शिफ्ट हो गया। मौसम विशेषज्ञ एचआर रंजन के मुताबिक मॉनसून की रफ्तार कुछ समय के लिए ही थमी, 20 जुलाई से फिर से इसकी सक्रियता बढ़ेगी। धीरे धीरे बरसात की तीव्रता और दायरा दोनों बढ़ेगा। सावन में 25 अतिरिक्त बसें चलाएगा परिवहन निगम। सावन की शुरुआत 22 जुलाई को हो रही है। श्रद्धालु कांवड़ यात्रा की भी तैयारी कर रहे हैं। कांवड़ियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने भी कमर कस ली। परिवहन निगम 25 अतिरिक्त बसें सावन में चलाएगा, जिससे कांवड़ यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। अंडे से बनेगी कुल्फी मलाई। किसानों की आय बढ़ाने और बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाने के लिए बरेली स्थित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की ओर से विकसित 4 तकनीकों को अब पेटेंट मिल गया है। इसमें अंडे से तैयार कुल्फी, मलाई, मांस उत्पाद, चिकन, बड़ी व रोग प्रतिरोधी कैरी कंफर्ट तकनीक शामिल हैं। इनका पेटेंट होने से अब इन्हें देश विदेश में पहचान मिलेगी। राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी समेत आसपास के 6 शहरों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने को लेकर कवायद तेज कर दी गई। सरकार ने इसके लिए राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी। इससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन मंजूरी दे दी। अब जल्द इसकी अधिसूचना जारी होगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का एक्शन। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने धूम मानिकपुर गांव के शमशान घाट में चल रहे निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग के मामले में कड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण ने संबंधित ठेकेदार पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और उसे ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये कार्रवाई स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा की गई शिकायत के बाद की गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।